गाइज योर मच वेटेड बारबेक्यू इज हियर। इट्स हॉट। हे हाय, वेलकम बैक टू द चैनल मुकेश सोनी व्लॉग्स। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे। गाइज, आज है फ्राइडे, सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं। मोस्टली फ्राइडे का जो दिन होता है अपने लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है, बिकॉज आज के दिन ही मैं अपने सारे बिग डेज के प्लान पूरे कंप्लीट कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि वीकेंड में सैटरडे संडे कहीं तो भी एक छोटा सा राइड पे जाके आऊँ, ताकि एक अच्छा सा ब्लॉग शूट करके आप सभी लोगों को दिखाऊँ। मोस्टली आज फ्राइडे होने की वजह से अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, तो ऑफिस जाने के लिए ऑलमोस्ट रेडी था पर बारिश शुरू हो गया। पर आज फ्राइडे के शाम का एक छोटा सा प्लान किया है, इसीलिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो मोस्टली सीन क्या है कि मेरा एक काफ़ी पुराना दोस्त है, अच्छा दोस्त है, जिम पार्टनर है, तो वो आने वाला है मेरे होम पे और यहाँ पे हम एक छोटा सा पार्टी कर रहे हैं। पार्टी मतलब वही है, खाने का कुछ कुक करेंगे और वो सारे चीज़ें हम लोग आज एंजॉय करने वाले हैं। और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रहा है, आपको दिखाता हूँ। ये आप देखिए मेरे घर के बाहर का व्यू, मस्त सा बारिश अभी शुरू हुआ है। हर का मौसम काफ़ी खूबसूरत हुआ है, बारिश ऑलमोस्ट हुआ था अभी, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। बारिश अभी चलो बंद हो गया है तो मुझे निकलना पड़ेगा ऑफिस के लिए। सब कुछ रेडी है, इसको जल्दी जल्दी पैक करते हैं। और तो ये रहा अपना लैपटॉप, ये रहा अपना टिफ़िन, ये भी है, मैंने खुद बनाया है एक्चुअली, तो इसको आज मस्त इन्जॉय करेंगे। और ये पानी का बॉटल, तो चलिए मिलते हैं सीधा ऑफिस पर। हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस और करते हैं थोड़ा सा पूजा पाठ ऑफिस पे, फिर करेंगे काम स्टार्ट। आज दिन भर के काफ़ी सारे काम एंड करने हैं। गाइस, ऑफिस में आने के बाद सबसे पहले काम होता है भगवान के दर्शन, फिर ऑफिस का काम स्टार्ट। चलिए आज थोड़ा सा कुछ काम फिनिश करना है, पहले वो कर लेता हूँ ताकि शाम को पार्टी करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाए। तो मिलते हैं, काम कुछ छोटे मोटे काम आज बाकी है वो करके फिनिश करते हैं, ताकि हम अपना शाम का पार्टी करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाए और अच्छे से मूड से पार्टी करें। कैसा होता है, कोई भी काम अपने टाइम पे करो तो वो कभी भी बेटर होता है। तो वही कोशिश होती है मेरी हमेशा कि अपने सारे जो काम है वो मैं फिनिश कर दूँ, ताकि वीकेंड के दो दिन मुझे काफ़ी अच्छे से इन्जॉय करने के लिए मिले। तो वही मैं अपने काम कर रहा हूँ। तो गाइस, फाइनली अभी ऑफिस का सारा काम ख़त्म करके हम आ चुके हैं अपने घर पे, और आते आते काफ़ी सारा सामान हम लेके आए हैं पार्टी के लिए, आपको दिखाता हूँ। लाया हूँ तो मिलते हैं घर पे। ये रहा आज का हमारा पार्टी का कुछ सामान, कुछ स्पाइसेस स्पेशल वाले लेके आए हैं मैं, ये भी है। और कुछ एलईडी चले गए थे घर के बल्ब्स, वो लेके आया हूँ। साथ में है विथ बोन वाला चिकन, जो इसकी सब्जी बनाएंगे हम। और है ये है बोनलेस टोटली चिकन है, जिसका हम बारबेक्यू करने वाले हैं। तो सारा सामान आ चुका है, अभी वेट करेंगे दोस्त का आने का और शुरू करेंगे रेसिपी और एंड ऑल। यहाँ पे पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है एक्चुअली, और दोस्त मेरा आ चुका है घर पे, तो तैयारी चल रही है जोर शोर से। अभी करेंगे यहाँ पे मस्त वाली पार्टी गाइस। ये है इसका क्या बनाएंगे हम लोग, इसका हम बनाने वाले बारबेक्यू। बारबेक्यू के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, और इसका बनाएंगे चिकन करी। और ये स्पेशली मैंने लाया है कोल्हापुरी चिकन मसाला, जो मैं बनाऊंगा इसको। और ये कुछ रेसिपीज अभी बताएगा धनंजय। सो
तो गाइस अभी यहाँ पे धनंजय बारबेक्यू के लिए इसका प्रिपरेशन कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें उसने बना के रखे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल है बोनलेस चिकन, ये जो लाए थे हम लोग बोनलेस चिकन लाए थे जो बारबेक्यू के लिए यूज़ करेंगे, और अभी प्रिपरेशन चल रहा है मैरिनेट होने के लिए उसको। तो कर दे तू शुरू मैरिनेट करने के लिए। पहले दही, उसके बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, उसके बाद उसमें है ये अपना बारबेक्यू स्पेशल मसाला है बारबेक्यू के लिए यूज करेंगे हम लोग। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और कितना समय रखना है इसको? इससे तकरीबन हम एक से डेढ़ घंटा, एक घंटे से डेढ़ घंटा हम इसे मैरिनेट के लिए रखेंगे। और भाई उसमें ना थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह मस्त यूज करना है। यस यस, एकदम ऐसा डेफिनेटली सही वाला टेस्ट चाहिए अपने को एकदम। अभी हम जो बारबेक्यू बना रहे हैं उसको थोड़ा सा स्पाइसी बनेंगे, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है एज पर मुकेश स्पेशल विश वी आर एडिंग वन टेबल स्पून रेड चिली टू मेक दिस बारबेक्यू रियली हॉट। गाइस पार्टी की पूरी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट, अभी हम लोग शुरू करेंगे बारबेक्यू नेशन और कुछ प्रिपरेशन करेंगे चिकन करी के लिए। तो आप बने रहे वीडियो में। और यहाँ पे धनंजय जोरों शोर से तैयारियाँ कर रहा है। और भाई कैसा होगा फिर सेलिब्रेशन आज का? देखिए चिकन के कलर से आपको पता चल जाएगा फाइनल प्रोडक्शन कैसा होगा। सही सही, मस्त। ये जाएगा डायरेक्टली फ्रिज में 1.5 आवर। Okay. मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके ओके। सो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे एग्जैक्टली यहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप है जो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, बस अभी हम लोग थोड़ी देर से टेस्ट करेंगे और आपको अच्छे से क्लोजअप में दिखाता हूँ। यहाँ पे पूरी तरह से बारबेक्यू हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा समय is ready here. Wow. तो फाइनली यहाँ पे डिश पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है बारबेक्यू का। आप देख सकते हो दोस्तों कितना खूबसूरत और कितना यमी लग रहा है ये। और यहाँ पे खाने का सारा प्लान। सो होप आप सब लोग भी काफ़ी अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस देख सकते हैं आप डिलीशियस और मच वेटेड डिश जो मेरी होममेड बारबेक्यू है। और गाइस अभी हम इसको टेस्ट करके बताएंगे कि ये एक्चुअली कैसा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी अपने घर पे ट्राई किया है, धनंजय ने काफ़ी बार ट्राई किया है। इसको हम करेंगे सॉस के साथ में। सुपर गाइस एक नंबर टेस्ट आ रहा है इसका, बहुत ही ज़्यादा मिली। बस अभी ये सारा डिश हम लोग ट्राई करेंगे। हम लोगों का डिनर का भी टाइम हो चुका है अभी। होप आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को। सो फाइनली गाइस खाना सब कुछ रेडी है, बारबेक्यू नेशन प्रिपेयर हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने इस ब्लॉग को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा। आप भी ऐसे ही टिप्स अपने घर पर ट्राई कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से।
वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, प्लीज। काफी मेहनत लगा है आज की ब्लॉग मॉनेटाइजेशन के लिए, और वो रंग लाइए डेफिनेटली। यस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।